नमस्ते, मैं भारती। मेरे भारत के किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लौकी की मुठिया। तो आइए ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे लौकी की मुठिया। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे बनाकर खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, लौकी की मुठिया बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लौकी की मुठिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है, 1/4 कप बेसन ले लिया है, यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया के पत्ते ले लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से धो के काट लिया है, और यहाँ पे मैंने आधी लौकी को काट के ले लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, आधा चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला ले लिया है, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ले ली है। तो आइए लौकी का मुठिया बनाना शुरू करते हैं। लौकी की मुठिया बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को अच्छे से छील लेंगे। यहाँ पे मैंने लौकी को अच्छे से छील लिया है। अब लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। लौकी का मुठिया बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। अब जो हमने लौकी को छील के रखा था उसको कद्दूकस कर लेंगे। लौकी को यहाँ पे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। आटा डालने के बाद इसमें बेसन भी डाल देंगे। अब इसमें धनिया के पत्ते भी डाल देंगे। अब जो हमने सारे मसाले लिए थे वो भी डाल देंगे। सबसे पहले चाट मसाला डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, अब लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। यहाँ पे हमने सब कुछ अच्छे से डाल दिया है। अब इसमें 2 चम्मच जितना ऑयल भी डाल देंगे। तेल को यहाँ पे हमने अच्छे से डाल दिया है। अब आटे को गूंध लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आटे में मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। हमें आटे में इसलिए पानी नहीं डालना है क्योंकि लौकी में पानी पहले से ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा हमारा अच्छे से गूंद कर तैयार है। अब आटे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे फिर से मसल लेंगे। हमारा यहाँ पे मुठिया का आटा लगकर तैयार है। अब इसकी हम मुठिया बना लेंगे। देखिए, हम इस तरह से लोई तोड़ के हम मुठिया बना लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने 1 मुठिया बनाकर तैयार कर लिया है। बाकी ये भी मुठिया ऐसे ही बना लेंगे। हमने यहाँ पे सारे मुठिया को अच्छे से बना लिया है। तो चलिए स्टीम कर लेते हैं। अब मुठिया को स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके पहले से ही कुकर को स्टीम करने के लिए रख दिया था। अब इसमें स्टीम वाली प्लेट रख देंगे। प्लेट को यहाँ पे मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने मुठिया बना के रखे थे उसे स्टीम कर लेंगे। अब मुठिया को 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के अच्छे से स्टीम कर लेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मुठिया अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो आइए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी मुठिया अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे मुठिया हमारे हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सारे मुठिया अच्छे से कट कर लिए हैं। तो चलिए मुठिया को तड़का लगा लेते हैं। अब मुठिया को तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके पैन रख दिया है। अब इसमें 2 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे।
तो तेल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें आधा चम्मच जितनी राई डाल देंगे। अब राई को अच्छे से चटकने देंगे। राई यहाँ पे हमारी अच्छे से चटक चुकी है। अब इसमें थोड़े से करी पत्ते डाल देंगे। अब इसमें आधा चम्मच काले तिल डाल देंगे, आधा चम्मच सफेद तिल भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़े से हरे धनिया के पत्ते भी डाल देंगे। अब तड़के को अच्छे से मिला लेंगे। अब जो हमने मुठिया के पीसेस कट करके रखे थे वो डाल देंगे। अब मुठिया को तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मुठिया के ऊपर आधा चम्मच जितना चाट मसाला डाल देंगे, इससे मुठिया का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। अब फिर से एक बार मुठिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म लौकी के मुठिया बनकर तैयार है। तो आइए इसे हम सर्व कर लेते अब हैं। मुठिया को प्लेट में सर्व कर लेंगे। हमारे यहाँ पे गर्मा गर्म बहुत ही हेल्दी लौकी की मुठिया बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो भारत भारती किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।